असल में क्या है ना, मेरे कमरे में बहुत गर्मी है ना, इसलिए तुम्हारी एसी रूम में थोड़ा रेस्ट लेने आई थी। बोल रही हूँ, तुम तो ऑफिस से आई हो, चाय पियोगी ना? मुझे भूख नहीं है। ओह अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। कब आई तुम? तुम्हारी भाभी तो बहुत पहले विधवा हो गई थी, और उम्र में भी तुमसे ज्यादा छोटी नहीं है, तो शादी क्यों नहीं की? उन्हें देख के तो लगता है उनको अभी भी भूख है। तुम्हारे प्रति काफी इन्फैचुएटेड है, वो तुम्हारा कान भर रही है मेरे खिलाफ, इसलिए मुझे भगाना चाहते थे। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। Have you slept with her? ज़ुबान संभाल के बात करो। सब तुम्हारे जैसा जिस्म की भूखी नहीं है। क्या क्या कहा तुमने? ठीक जो सुना तुमने, मेरा भाभी मुझे जितना प्यार करती है, केयर करती है, तुम साथ जन्म में भी वैसा नहीं हो सकती। तुम फिर भी ये बोलोगे तुम्हारी भाभी के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है? And what did you say? जिस्म की भूखी? नहीं, रास्ते में लड़के का हाथ पकड़कर घूमने में शर्म नहीं आती? जासूसी कर रहे हो मेरे पीछे, जॉन बैनर्जी? झटका लगा ना, नकाब निकलकर आ जाने से झटका लगा ना? मुझे भी झटका लगा था। मैं समझ नहीं सकता, शादी का एक महीना गुजर गया, फिर भी बहाना बनाकर तू मुझे छूने नहीं देती। जस्ट चुप, बिकॉज यू आर कमिटेड विथ समवन एल्स। कितने गंदे हो तुम, अपना पाप मेरे सर मंड रहे हो उस बाजारू औरत के लिए। क्या क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या हुआ है? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? जस्ट गेट आउट यू ब्लडी होर। भाभी भाभी प्लीज रोना मत। भाभी प्लीज, नेक्स्ट वीक तुम्हारा बर्थडे, अपने अपने ऑफिस का ली राज के साथ उसी का सब अरेंजमेंट करने गई थी एक रिसॉर्ट में तुम्हारे बर्थडे पार्टी के लिए। सोचा था हनीमून भी वही होगा, अब पता चला तुम्हें तुम्हें अपनी भाभी के साथ जाना चाहिए। वही करो, चलो ना हम दोनों साथ में चलते हैं। अच्छा ही हुआ वो चली गई।